नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार लगातार शिक्षा को लेकर घिरते रहे हैं और चुनावी स्टंट कह लें या फिर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक या फिर वाकई एक सराहनीय पहल, जिसको लेकर नीतीश कुमार आजकल सुर्खियों में है। और खबर ये है कि शिक्षा नीति को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया है, शिक्षा अधिकारियों को लेकर एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। वो फैसला क्या है, हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने चुनाव से ठीक पहले एक साथ दो बड़े फैसले लिए और पदाधिकारियों को तोहफा दे दिया। इस नए फैसले के तहत बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। दरअसल बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों की ओर से लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, जिस पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। ये फैसला लिया गया कि बिहार शिक्षा सेवा के लिए अब बीएड कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में इसके लिए आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन के बाद अब ये बिहार शिक्षा नियमावली 2020 कही जाएगी। इसके पहले बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता की गई थी। तब अधिकारियों को 2 साल के परीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ बीएड कोर्स करना अनिवार्य किया गया था। बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिहार शिक्षा सेवा संघ के अध्यक्ष विनोदानंद झा और महासचिव अमित कुमार ने सरकार को धन्यवाद भी दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने दूसरा फैसला ले लिया है कि अब जिला अपीलीय प्राधिकार के 58 पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 दिसंबर तक रहेगा, जिसको लेकर विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी खबर और सबसे खास खबर बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार के द्वारा एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक तोहफा दिया गया है। शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को अब बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले ये होता था कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षण अधिकारी बनना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको बीएड की अनिवार्यता कर दी गई थी। लेकिन अब बीएड को खत्म कर दिया गया है, इसके लिए अब आपको बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना बीएड किए भी आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान दे सकते हैं, बखूबी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इससे पहले आपने देखा कि शिक्षकों के लिए सभी सेवा शर्तों को मानने का काम बिहार सरकार ने किया था। इससे पहले शिक्षक लगातार पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा होते रहे और लगातार प्रदर्शन का दौर चलता रहा, लाठियां बरसाई जाती रहीं। बहरहाल चुनाव नजदीक आया और ऐसे में शिक्षकों को तोहफा मिल गया। चुनाव के समय शिक्षकों को दो बड़े तोहफे मिले, एक तो सेवा शर्तों को सरकार ने मान लिया और दूसरी बड़ी उपलब्धि ये कही जा सकती है कि शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।